मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ केक सजाने वाली क्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो इस लॉकडाउन के समय जब हम सब लोग केक बना रहे हैं, तो केक सजाने वाली व्हिप्ड क्रीम हम कहां से लेकर आएं? तो बस आज मैं आपको केवल दूध से ही व्हिप्ड क्रीम बनाना बता रही हूँ। इससे आप अपने केक को बढ़िया डेकोरेट कर सकते हैं। ये बोल देख रहे हैं दोस्तों, इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि बढ़िया अच्छा चिल्ड हो जाए। आपका बर्तन बढ़िया ठंडा होना चाहिए, नहीं तो आप चाहें तो बर्तन के नीचे कुछ आइस क्यूब रख सकते हैं या फिर बर्तन को ही ठंडा कर लें। आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश दूध की मलाई लेना है। इस दूध को मैंने कल गर्म किया था, रात भर फ्रीज में रखा था और अब इस दूध से उतरी हुई मलाई लेना है। आप सोचेंगे कि अरे, हम जो घी के लिए मलाई स्टोर करते हैं उस मलाई से हम व्हिप्ड क्रीम बना लें, तो व्हिप्ड क्रीम नहीं बनेगी, उस मलाई से मक्खन बन जाएगा। तो आपको लेना है दूध से निकली हुई तुरंत ताज़ी मलाई। ये मलाई मतलब एक दिन से ज़्यादा बासी नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो ही आप बहुत अच्छी तरह से इस केक सजाने वाली क्रीम को घर पर तैयार कर सकते हैं। तो बस आपको बिल्कुल ताज़ी मलाई को लेना है, एक छन्नी में आप उसे निकाल लें और उसके बाद आपको बिल्कुल धीरे धीरे ही इसे फेंटना है। आप देख रहे हैं, मैं चम्मच की सहायता से बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे फेंट रही हूँ। ज़्यादा ताकत से नहीं फेंटना है, हल्का हल्का हम इसलिए फेंट रहे हैं दोस्तों कि मलाई का जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है और जिससे ज़्यादातर घी बनाया जाता है दोस्तों, वो ऊपर ऊपर रह जाए। हमें उस मोटी मलाई का, फुल फैट मलाई का कोई काम नहीं है। हमें तो बस नीचे जो छनकर आ रही है, पतली पतली जो क्रीम छनकर आ रही है, इस क्रीम से हम बनाएंगे केक सजाने वाली व्हिप्ड क्रीम। तो ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फैट वाली मलाई है दोस्तों, इसी से तो घी बनता है। तो बस ये घी बनाने वाली जो मोटी मलाई है, इसका हमें कोई काम नहीं है। आप इसे अलग हटा दें और जिस डब्बे में आप घी के लिए जो मलाई स्टोर करते हैं उसमें आप इसे रखें। आपको लेना है जो छन्नी के नीचे छन कर आई है जो क्रीम, इस क्रीम को अब आपको फेंटना है। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं ये कितनी पतली है, बिल्कुल आपको लग रहा होगा ना ये तो दूध के जैसे पतली है, ये क्या व्हिप्ड हो पाएगी, क्या हम इसे केक को डेकोरेट कर पाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, अभी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो सबसे पहला आपको ताज़ी मलाई लेना है, बिल्कुल दूध से उतरी हुई मलाई लेना है। इसे फेंटने के लिए आप फोर्क का इस्तेमाल करें, वायर विस्कर का इस्तेमाल करें या फिर आप इस तरह से बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप बीटर से इस फ्रेश क्रीम को फेंटेंगे तो मात्र एक मिनट के अंदर ही आपकी केक सजाने वाली व्हिप्ड क्रीम तैयार हो जाएगी। एक मिनट से ज़्यादा आपको नहीं फेंटना है, नहीं तो फिर उसके व्हिप्ड क्रीम का मक्खन निकल जाएगा। और हमें तो बिल्कुल केक को सजाने के लिए ये जो हमने फ्रेश क्रीम ली है, ये हमारी ऐसी होना चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से, जैसे ये इससे हम डेकोरेट अपने केक को कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं मैंने मुश्किल से 5-7 सेकंड ही अभी इसे फेंटा है, आपको उठा के दिखा रही हूँ। अभी आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ गया है, परंतु अभी हमें इससे और फेंटना है ताकि अच्छी स्टीप पीक आ जाए, ताकि हम अपनी आइसिंग में फ्लावर बना सकें, कुछ भी केक में हम डेकोरेट कर सकें। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टीप पीक बना है। आप देख सकते हैं मेरी ये जो व्हिप्ड क्रीम है बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। ये देखें, बिल्कुल चिकनी, बिल्कुल भी इसमें से पानी अलग नहीं हुआ है, बिल्कुल भी मक्खन नहीं बना है। मात्र एक मिनट के अंदर ये व्हिप्ड क्रीम बनकर तैयार है। बढ़िया सुंदर इसमें एसेंस डालें, अपने पसंद का कलर डालें और अपने केक को डेकोरेट करें। घर की फ्रेश मलाई से आप व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच, मैंने पिसी हुई शक्कर डाला है। आपके पास आइसिंग शुगर है तो आइसिंग शुगर डालें, नहीं तो फिर पिसी हुई शक्कर डालें। अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर का एसेंस डालें, वेनीला एसेंस डालें, जो भी आपको जिस तरह का केक बनाना है। तो बस मैंने भी इसमें आधी छोटी चम्मच वेनीला एसेंस डाला है और ये हमारी फ्रेश व्हिप्ड क्रीम बनकर तैयार है। कोन में भर लें, बढ़िया अच्छा फ्लावर बनाए केक में, पूरा आप केक में इसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। बस मात्र एक मिनट के अंदर ये बना है। यदि आप चम्मच से फेंटेंगे, फोर्क से या वायर विस्कर से फेंटेंगे तो 5-7 मिनट का टाइम लग सकता है, और बीटर से फेंटेंगे तो मात्र एक मिनट के अंदर आप अपने दूध की मलाई से व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं, फ्रेश क्रीम आप तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही लो फैट है दोस्तों, इसमें आपने देखा मैंने मलाई का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल अलग कर लिया है।
तो ये देखिए, आप चाहें तो इसे कोन में भर लें, अभी तो मैं आपको सिर्फ प्लेट में निकाल कर दिखा रही हूँ, और यदि आपका मन है तो आप इस समय कोई कलर भी मिला सकते हैं। तो चलिए आपको एक ड्रॉप में कलर मिलाकर बता रही हूँ। मुझे केक में आइसिंग भी करना है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर की आइसिंग करना है, सिर्फ एक ड्रॉप ही डालना है, धीरे ही डालें, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही इसमें कलर मिक्स करें, अपने पसंद का कोई भी कलर मिक्स करें और बढ़िया आप इससे आप अपने पसंद की आइसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।